और हमें लगा था ही? कुछ नहीं, एक बात और, जो आपने हमारी जमानत दी थी वो हम आपको वापस लौटाना चाहते हैं। कैसे? तुम मेरे ऑफिस में काम करती हो, मेरे घर में रहती हो, जमानत के पैसे कैसे वापस करोगे? हम आपको उन पैसों से कई गुना ज्यादा लौटा रहे हैं। ये क्या है? ये कैसा हीरा है जिसकी कीमत आप जैसा जौहरी ही लगा सकता है। ये हमारा डिजाइन है। आप माने या ना माने सर, लेकिन हम बहुत बड़े डिजाइन बाज हैं। माना कि अभी हम सीख रहे हैं, लेकिन कुछ सालों में हम इस कंट्री के टॉप डिजाइनर बन जाएंगे और तब इन डिजाइन्स की कीमत लाखों में होगी। कुछ हजारों के बदले लाख मिल रहे हैं, सौदा बुरा नहीं है सर। डिजाइन बस जी, टॉप डिजाइनर तो हम बन के ही रहेंगे, क्योंकि एक बार जब हम कुछ ठान लेते हैं ना तो पूरा करके ही मानते हैं, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान भी दांव पे क्यों ना लगानी पड़े। यकीन नहीं हो रहा ना? किसी को भी नहीं होता। हम सिर्फ दिखने में मासूम लगते हैं, पर हम बहुत बड़े डेयरिंग बाज हैं। आपको पता है, कुछ रोज पहले मुंबई से एक शख्स आया था हमारी अम्मी का कारखाना तुड़वाने। हम अपना कारखाना बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेट गए थे। इतना गिरा हुआ इंसान था कि उसे गरीबों की भी परवाह नहीं थी, और हमें पूरा यकीन है कि उसी ने कारखाने को आग लगाई होगी। हमारी पूरी जिंदगी तहस नहस कर दी। वो मनहूस एक बार हमें मिल जाए ना तो हम उसका मुंह नोच लेंगे। जिस दिन ऐसा होगा ना, वही हमारी ईद होगी। आप क्या सोचने लगे? मैं ये सोच रहा हूं कि तुम छोटे शहर वाले कितने जल्दी उड़ने लगते हो। ऊपर पहुंचने के ख्वाब देखने से पहले ऊपर पहुंचने की तैयारी करो, काबिल बनो। तब साहिर अजीम चौधरी को उसके पैसे वापस करने की सोचना। आप सच कह रहे हैं सर, हम ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हमें ख्याल रखना चाहिए था कि उड़ान के लिए हौसलों की नहीं परों की जरूरत होती है, लेकिन अब हम आपको अपनी काबिलियत साबित करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम आपके हाथों में एक ऐसा डिजाइन थमाएंगे कि आप भी कहेंगे कि आरजू नौशीन खान, तुम बहुत बड़ी डिजाइन बाज हो। हमें आईना दिखाने के लिए शुक्रिया सर। इतना गिरा हुआ इंसान था, उसे गरीबों की भी परवाह नहीं थी, और हमें पूरा यकीन है कि उसी ने कारखाने को आग लगाई होगी। हमारी पूरी जिंदगी तहस नहस कर दी। वो मनहूस एक बार हमें मिल जाए ना तो हम उसका मुंह नोच लेंगे। जिस दिन ऐसा होगा ना, वही हमारी ईद होगी। हेलो, कैसे हैं सरफराज साहब? अनम जी, अब मैं कैसे अच्छा रह सकता हूँ? अब भले ही सयारा ने मुझे पराया कर दिया हो, लेकिन मैं सयारा को अभी भी अपना मानता हूँ। अब मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ सयारा से कि भले ही कीचड़ सयारा पे उछाला जा रहा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दामन पर मेरे कीचड़ लग रहा है, मेरा दामन मैला हो रहा है। आप वो अखबार वाली खबर का जिक्र कर रहे हैं?
हाँ, पढ़कर दुख बहुत हुआ, दिल खट्टा हो गया। अब ऐसे मौके पर तो अपनों की पहचान होती है। आपके सबसे बड़े राइवल हरमोसा फैशन इसी मौके का फायदा उठा रहे हैं। उधर सयारा अपनी बदनामी उलझा हुआ है और यहाँ वो एक के बाद एक नए डिजाइन्स लॉन्च कर रहे हैं। मुझे भी ऑफर आया था, मगर ये बात मैं आपको बता क्यों रहा हूँ ये आप समझ सकती हैं, क्योंकि मैं सयारा के साथ वफादारी निभाने को मजबूर हूँ। अब आप जैसे वफादार लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? अब कैसी बातें कर रही हैं अनम जी, अब वो तो, लेकिन एक बात है, ये इंटर्न कौन है जो क्लब में पकड़ी गई? कोई लखनऊ से आई हुई लड़की है। लखनऊ की? तो सयारा तक कैसे पहुंची? क्या बताओ, अमी को ब्लैकमेल करके आई है। लेकिन अब इतनी बड़ी बात हो गई तो मुझे लगता है कि उसे लखनऊ वापस भेज दिया गया होगा। ऐसी बला इतनी आसानी से कहां टलती है? यहाँ से जाना तो दूर, उसने उल्टा अपने पूरे खानदान को यहाँ पर बुला दिया है। दादी, बहने, अम्मी, एक तोता तक लेकर आ गए हैं। इडियट्स, बस अभी अब्बू को बुलाना बाकी है। खैर, मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रही हूँ, आपने मुझे जो खबर दी उसके लिए थैंक यू। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से भले ही आप चले गए हो, लेकिन आप सयारा में जल्द वापस आएंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। जी, खुदा हाफिज। थैंक यू। नौशीन सबको लेकर मुंबई आ गई और मुझे पता तक नहीं। तो न्यूज रिपोर्ट वाली बात सही निकले ना? देखते हैं ये चर्सी अपनी माँ का नाम कितना रोशन करती है। क्या हुआ, बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई क्या? नौशीन यहाँ आ गई है सबको लेकर मुंबई आरजू के पास। आरजू की वजह से सयारा को जो नुकसान हो रहा है, ये खबर साहिर को तो देनी ही पड़ेगी। हाय मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा, ये क्लोथिंग लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। आई जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एनी रिस्क। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, थैंक यू। मैम, आज एक इवनिंग में आर्ट गैलरी का इनॉग्रेशन है, तो आज शाम के 7 बजे का टाइम दे दूं? ओके, थैंक यू। और वो जो लाल बैग मिलान से ऑर्डर किया था वो आ गया? Yes, ma'am. And listen, मेरी जो ड्रेस है ना, मेरे टोपाज टच से मैच होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रेस आ रही है and I want to look my best. Okay, ma'am. Yeah, hello. Ma'am. I'll talk to you later. Sorry, आपको disturb कर दिया, but I just wanted to say कि आप बहुत खूबसूरत लग रही है। I mean, your dressing sense and your style is just awesome, ma'am. तुम आरजू की बहन हो ना? जी। तो तुम भी अपनी बहन की तरह डिजाइनर बनना चाहती हो? नहीं नहीं। तो फिर क्या बनना चाहती हो? जी, मैं अनम चौधरी बनना चाहती हूँ। आई मीन, मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ। आई मीन, आपका स्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, मुझे सब चाहिए। जमीन पर रहकर सितारा नहीं बना जाता। तुम लखनऊ में रहकर अनम चौधरी कैसे बनोगी? जी, थैंक यू। आरजू नौशीन खान, अब मुझे तुम्हारी कमजोर नस पता चल गई है। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। वो दरअसल हमारी फैमिली लखनऊ से मुंबई आ गई है, और जब अपने पास होते हैं ना, तब सब सही हो जाता है। हाँ, सही कह रही हो तुम। सरफराज की इन्फॉर्मेशन सही है।
जी, मेरे और सोर्सेज से भी कंफर्मेशन आई है, हरमोसा फैशन हब अपना नया कलेक्शन लॉन्च कर रहा है। सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलवाई। ओके। क्या हुआ जारा, इतनी खुश क्यों हो? मुझे तेरा चेहरा देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे सलमान खान ने अपनी टॉपलेस फोटो पे खुद ही आके ऑटोग्राफ दे दिया। नहीं दादी, उससे भी बड़ी चीज। उससे भी बड़ी चीज क्या? मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, मेरा रास्ता मिल गया है, मुझे मेरा रोल मॉडल मिल गया है। दादी, अपने घर का पता तुझे एक बार में मिलता नहीं, ये जिंदगी का रास्ता कैसे मिल गया? मिल गया दादी, रास्ता भी और मंजिल भी। और मेरी मंजिल है अनम मैडम। मैं बिल्कुल उनके जैसी बनना चाहती हूँ। और आपको मालूम है दादी, उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि अगर मुझे उन जैसा बनना है तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। आसान रास्ते अक्सर गलत मंजिलों की तरफ ले जाते हैं। मतलब? मतलब ये कि चौक का रास्ता एक बार भूलोगी ना तो पूछताछ करके लौट आओगी, लेकिन जिंदगी का अगर रास्ता भूल गई ना बेटा तो लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी पे भी विश्वास करने से पहले उसकी अच्छी तरह से परख कर लो। Come on दादी, आप लोग भी ना। जारा, सयारा एक नया फैशन लाइन लॉन्च कर रहा है, जन्नत। इस दुनिया में हर कोशिश के सिर्फ दो ही अंजाम होते हैं, या तो वो कोशिश कामयाब होती है या नाकाम। अनलकीली आप लोगों के पास नाकाम होने का ऑप्शन नहीं है। हमें जन्नत के लिए डिजाइन चाहिए फौरन। सर, हमारी डेडलाइन क्या है? नाउ। हमारे पास वक्त नहीं है। एंड आई वांट द व्हाट? सर, हम भी जन्नत कलेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम जानते हैं कि अभी हमें आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है, मगर आपको पता है हम ट्रेडिशनल वेयर के बहुत अच्छे डिजाइन्स बनाते हैं। हमारी फाइल में बहुत से ऐसे डिजाइन्स हैं जो शायद आपको पसंद आए। आप कहें तो हम लेकर आए, आप एक बार देख लेंगे। जन्नत का हिस्सा बनना चाहते तुम इस मीटिंग में, यही काफी है तुम्हारे लिए। गेट टू वर्क। इट्स ओके आरजू, हम भी साहिर सर के सामने अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हैं, हम भी जन्नत कलेक्शन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पर कैसे करें? तुम कंट्रीब्यूट करना चाहती हो ना, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। रिसेप्शन पे कुछ पार्सल्स पड़े हैं, उन्हें अलग अलग एड्रेसेस पे पहुंचाना है। जाओ, पहुंचा के आओ। गो। डिजाइन तुम यहां मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? अब मेरे और मेरी भाभी के बीच में तेरा मेरा कब से होने लगा? मैं आपसे यहाँ बात करने आया था। जकी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो कहना है जल्दी कहो। ओहो, अब क्या करें? एक्चुअली मैं आरजू की रॉकस्टोन वाली प्रॉब्लम को लेकर आपसे बात करने आया था, लेकिन आप तो बिजी हैं। मैं साहिर भाई से बात करता हूँ। रुको, तुम्हें जो कहना है मुझे कहो, साहिर बहुत बिजी है। मुझे पता था कि मेरी भाभी मेरे लिए वक्त जरूर निकालेगी,
तुम्हें जो कहना है वो कहो। ध्यान से सुनिएगा, आरजू का कहना है कि उसे रॉकस्टोन क्लब साहिर भाई के कहने पे भेजा गया था। अब यूजुअली साहिर भाई के ऑर्डर्स लिंडा या जो लेकर आते हैं, लेकिन इस बार ये ऑर्डर्स लेके गया रोमिल। अब पूरा सैयारा जानता है कि रोमिल किसका चमचा, किसका असिस्टेंट है। तुम कहना क्या चाहते हो? भाभी आप ना बात ही पूरी नहीं होने देती, पूरी बात तो सुन लीजिए। तुम्हें जो कहना है जल्द कहो। देखिए हिंदी फिल्म्स की पुलिस की टाइमिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी वहां पहुंची पुलिस और मीडिया की थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ प्लान किया गया। और इस मामले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि रोमिल उस दिन के बाद से मिसिंग है। उसका फोन नॉट रीचेबल है और उसने एक ऑफिस को मेल मार्क करी है कि वो पर्सनल रीजन की वजह से ऑफिस छोड़ रहा है। आप बता सकती हैं कि पर्सनल रीजन क्या रहा होगा? मुझे क्या पता, लोग अक्सर कंपनीज ज्वाइन और क्विट करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो है, बड़ी बात यह है कि मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि आप क्या खेल खेल रही हैं। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपके लिए वाइस प्रेसिडेंट की चेयर कितनी इंपॉर्टेंट है। अब तक तो इस वीपी बनने वाली बात को मैंने सीरियसली नहीं लिया था, पर अब लूंगा। इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा आपको भाभी। अरे कुर्ती आपा, आप ये कटोरा लिए क्यों घूम रही हैं? इतने बुरे दिन आ गए क्या? बेगम दिन तो हमारे इससे भी बुरे आ गए हैं। हाय खुदा कसम कटोरा लिए घूम रहे हैं बेगम आप, मेहरबानी करके बस इसमें थोड़ा सा जहर डाल दो। आप अपनी जिंदगी से इतनी परेशान हो गई कुर्ती आपा, अभी तो आपको बहुत हार देखनी है। हाय बेगम हार जी तो तब होगी ना जब मैं जिंदा रहूंगी। हैं आपकी उस कमबख्त बकरी को मैंने सुबह ही कह दिया कि मेरा पेट खराब है, आज दोपहर के खाने में सिर्फ मैं मूंग दाल की खिचड़ी खाऊंगी। लेकिन उस कमबख्त ने ना ही हनीफ मियां को कुछ बताया और ना ही वो खुद आई। उसने मुझे फोन किया था कुर्ती आपा, बताया था कि साहिर ने लंच टाइम में कॉन्फ्रेंस रख ली इसलिए नहीं आ पाई। हाय बेगम भूख के मारे मेरी जान जा रही है, हाय कहीं ये मौत के फरिश्ते मुझे अपनी कॉन्फ्रेंस में ना बुला ले। ये तो आपने उस मनहूस बकरी को बावर्ची खाने की जिम्मेदारी दे दी। बातें तो वो बहुत बड़ी बड़ी करती, हम ये करेंगे हम वो करेंगे और करती कुछ है नहीं, मनहूस कहेंगी। कुर्ती आपा हाय बुरा लग गया बेगम को। अफसानों में सुना था कि बादशाह की जान एक चिड़िया में अटकी है, मगर यहाँ तो बेगम की जान एक बकरी में फंसी हुई, वो भी ऐसी बकरी जिसे कोई पसंद नहीं करता, ना ही अनम ना ही साहिर। अब आप ये सोचिए बेगम कि जब इस बात का पता साहिर को चलेगा कि आप इस लड़की को यहाँ किस मकसद से लेके आई हैं, तो आपका तो सारा खेल खत्म। कुर्ती आपा, साहिर अपनी अम्मी के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, अगर जाता तो वो आरजू को कभी का निकाल चुका होता। आप ऐसा क्यों कर रही हैं बेगम? एक ठहरे हुए समुंदर में तूफान क्यों लाना चाहती हैं आप? ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूं कि ये लड़की साहिर को कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये तो अपना अपना देखने का नजरिया है कुर्ती आपा, मैं तो बस साहिर की खुशी चाहती हूं, चाहती हूं कि वो हमेशा खुश रहे पहले की तरह। अपने दिल पर वो जो गमों का पहाड़ लिए घूमता है वो किसी तरह उसके मन से उतर जाए। कैसी माँ हो बेगम, अपने हाथों से अपने बेटे की जिंदगी में तूफान ला रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ तबाह हो जाए। आपको इतना दर्द हो रहा है ना,
तो आप इसे रोक लीजिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।